जैसे हम घर में ट्यूशंस के अरेंजमेंट्स करते हैं, कुरान टीचर्स भी आते हैं बच्चे के, वैसे ही वाई नॉट एन आई टी एक्सपर्ट। 2.5 करोड़ बच्चा ऐसा है जो आउट ऑफ स्कूल है, पूरे मुल्क की अगर बात कीजिए, पंजाब की बात कीजिए, 80 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। अगर हमारा बच्चा 8-9 घंटे गेम खेल सकता है तो वो 8-9 घंटे पढ़ क्यों नहीं सकता? दे कैन डिजाइन, दे कैन राइट द कॉन्टेंट, दे कैन क्रिएट द वीडियोज एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो आज कैसे आना हुआ? हमने कहा देखें कि मैडम का क्या रूटीन है, क्या सुबह सुबह क्या ऑफिस में चल रहा होता है आपके पास? अभी तो मीटिंग चल रही है। अच्छा, और जॉइन अस। थैंक यू जी। किस टॉपिक के ऊपर, मौजू क्या है आज के? अभी बात हो रही है बच्चों के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में। तो हम ये कह रहे हैं कि जो बच्चे हमारे पास से पढ़े, उनको पढ़ने के बाद अपने प्रोजेक्ट का डिस्प्ले करना है और इंडस्ट्री के सामने उसको प्रोजेक्ट करना है, ताकि इंडस्ट्री आके हमारे बच्चों को सिलेक्ट करे, हायर करे और बच्चे जो हैं वो अपने आप को खुद से मैनेज करना शुरू करें। इसमें डिजिटल लिटरेसी का भी कुछ कॉन्सेप्ट होगा? डिजिटल लिटरेसी का ही कॉन्सेप्ट है। सो डिजिटल लिटरेसी का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों का हर बच्चा अगर अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है और एम्पावर करना चाहता है, सो देर इज ओनली वन वे एंड दैट इज डिजिटल लिटरेसी एंड डिजिटल सेंसिटाइजेशन, एंड दिस व्हाट वी ऑल आर डूइंग हियर। डिजिटल लिटरेसी की जब हम बात करते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस में मिस ताबिंदा डिजिटल लिटरेसी को क्या देखें? डिजिटल लिटरेसी जो अगर इसको मैं डिफाइन करूंगी तो उसका ये मतलब है कि अगर कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान जिसके पास एक स्मार्टफोन है और उस स्मार्टफोन में उसको यूट्यूब वीडियो, व्हाट्सएप यूज़ करना आता है, फेसबुक यूज़ करनी आती है, तो इसका मतलब उसे एक नाउ हाउ है बेसिक कि हाउ टू अपडेट दैट पर्टिकुलर गैजेट। Once he is aware about it, तो I think उसमें और भी बहुत सी applications, जिस तरह की useful applications हो सकती हैं, जिसे they can design, they can write the content, they can create the videos and earn a lot of money out of. अच्छा जी, इसमें मुझे एक और बात clear कीजिएगा कि जो educators हैं वो digital literacy को किस तरह अपने curriculum का हिस्सा बनाएं तो वो हमारे students को आने वाले दौर में उसके लिए तैयार कर सकते हैं digital literacy के लिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल लिटरेसी को आपको ग्रास रूट लेवल से ही आगे लेके चलना पड़ेगा। वो बच्चा जो प्ले ग्रुप में है, प्ले ग्रुप से ऑब्वियसली फर्दर एजुकेशन तक, उसको अब उस करिकुलम में उसको जब हम स्कूल भेजते हैं और वहाँ पर वो कंप्यूटर लैब में जाए, कंप्यूटर लैब में जाके छोटी छोटी मोबाइल एप्लीकेशन बनाए, वो गेमीफाई करे चीज़ों को, वो डिफरेंट गेम्स के थ्रू लर्निंग करे, उसकी असेसमेंट स्टेज बाय स्टेज जो है वो किसी पोर्टल पे इस तरह से हो जो इंगेजिंग हो, जो इंटरैक्टिव हो। मत आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल कि अगर हमारा बच्चा 8-9 घंटे गेम खेल सकता है तो वो 8-9 घंटे पढ़ क्यों नहीं सकता? उसकी वजह ये है कि वो इंटरेक्शन नहीं है उसकी, या वो इंगेज नहीं हो रहा उस चीज़ में। एंड द ओनली वे जिससे हमारा एक बच्चा इस डिजिटल लिटरेसी को अडेप्ट कर सकता है प्रॉपरली और उसको फंक्शनल हम लोग इंशाल्लाह फॉर हिज फ्यूचर कर सकें, द ओनली वे इज़ टू इंटीग्रेट ऑल द टेक्नोलॉजी, बेसिक टेक्नोलॉजी, AI बेस्ड मेथड, सिमुलेशंस, प्रैक्टिकल लर्निंग टू देयर एग्जिस्टिंग करिकुलम। अभी आपने बात की इन टेक्नोलॉजीज की, तो वो कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज या ट्रेंड्स हैं जो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकते हैं हमारे डिजिटल लिटरेसी को फ्यूचर में? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, दीज आर द, दिस इज द वर्ल्ड एक्चुअली। तो ये जो आपने टेक्नोलॉजीज की बात की है, ऑलरेडी इसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इनको हमने कितना इन डेप्थ जाना है ताकि हमारा आम जो स्टूडेंट, स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके? देखिए, इन डेप्थ जाने की ना इस वक्त ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा एक सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करती हूँ, वो ये है हमारे पास इस वक्त तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा ऐसा है जो आउट ऑफ स्कूल है, पूरे मुल्क की अगर बात कीजिए, पंजाब की बात कीजिए, 80 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो अगर वो स्कूल नहीं भी जा रहा लेकिन वो यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ हिज स्मार्टफोन और मे बी अ लैपटॉप और मे बी ही इज़ गोइंग टू अ कैफे विद हिज फ्रेंड्स। सो क्या चीज़ की जा सकती है? जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं सिर्फ उनको अलाइन करना है आपने, ChatGPT है, कैनवा है, फेसबुक मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, फ्रीलांसिंग है, ये बेसिक वो चीज़ें हैं जिनकी, जिनको एज एन अपॉर्चुनिटी अगर वो बच्चा टेकअप करे और उस तक उस चीज़ को ले जाया जाए, सो दे कैन क्रिएट वंडर्स आउट ऑफ इट। अच्छा, चलिए डिजिटल लिटरेसी की तो हम बात कर ही रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइएगा कि वो कौन से टिप्स हैं जो हमारे पेरेंट्स इस्तेमाल करके बच्चों में बड़ी छोटी एज से ही ना उनमें डिजिटल लिटरेसी को डेवलप कर सकते हैं? मुझे लगता है कि जो हमारे टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं
उनको डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए और बच्चों में उसकी आगाही देने के लिए जो स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, सबसे पहली चीज़ है कि उनको अपने बच्चे को रोकना नहीं चाहिए जब वो कोई भी टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट चीज़ की डिमांड करते हैं आपसे, या वो उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या उससे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो उसके लिए, जैसे हम घर में ट्यूशंस की अरेंजमेंट्स करते हैं, कुरान टीचर्स भी आते हैं बच्चे के, वैसे ही व्हाई नॉट एन आईटी एक्सपर्ट, व्हाई डोंट वी वर्क फॉर द अपस्किलिंग और द स्किल बेस्ड ट्रेनिंग ऑफ द किड्स। छोटा बच्चा होता है वो ज़्यादा जल्दी चीज़ों को पिक करता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ को ग्रैस्प करता है, डाइजेस्ट करता है। व्हाट इफ़ उस बच्चे को बिल्कुल इनिशियल लेवल से, बिल्कुल ग्रेड वन से, नर्सरी प्रेप से ही हम लोग वो स्किल्स देना शुरू कर दें, और बाय आई थिंक 3-4 ईयर्स जब वो बच्चे के उस स्कूल में गुजर जाएंगे तो वो वाकई एक चैम्पियन होगा एंड ही विल स्टैंड आउट। तो डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के एक बड़ा क्रिटिकल रोल है इस की प्रमोशन के लिए और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए टीचर्स का और पेरेंट्स का। व्हाट स्ट्रेटजीज कैन ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, इंश्योरिंग ऑल स्टूडेंट्स हैव इक्वल एक्सेस टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? सो अभी इक्वल डिवाइड नहीं है अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि बहुत से, जैसे आई मेंशन बिफोर, हमारे मुल्क में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका इस वक्त एक तो आउट ऑफ स्कूल है, दूसरा एक्सेस टू टेक्नोलॉजी या उन डिवाइसेस की उनके पास नहीं। इस वक्त तरफा करीम फाउंडेशन तकरीबन 10,000 स्कूल्स का एक बेड़ा अपने सर पे लेके, अपने कंधों पे लेके हम लोग चल रहे हैं, एंड वी आर एमिंग कि हम लोगों ने 10,000 स्कूल्स में एक्सेस का मतलब ये है कि हमने 1,000,000 बच्चे को आने वाले कुछ सालों में ट्रेन करना है और उसको आगाही देनी है कुछ बेसिक आईटी स्किल्स के बारे में। ऑल दो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऑल दो उसके पास कंप्यूटर की एक्सेस नहीं है, लेकिन हम अपने लैपटॉप्स ले जाते हैं, अपने गैजेट्स ले जाते हैं, बच्चे को एक्सपीरियंस करवाते हैं और उसका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ये अंडरसर्व और अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी के बच्चे हैं। और जब ये बच्चों के पास इन चीज़ों के एक्सेस नहीं है एंड देयर इज समबडी हु इज़ गेटिंग ऑल द थिंग्स अरेंज्ड फॉर देम, तो एक मज़ेदार किस्म के एक्सपीरियंस है बच्चे का और वो बच्चा उससे सीख भी रहा होता है। आई गिव यू सम एग्जांपल्स हियर। हम लोगों ने जब एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना शुरू की और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ हम लोगों ने बच्चे को फ्रीलांसिंग, कैनवा और चैट जीपीटी सिखाना शुरू की, ड्यूरिंग द बूट कैंप ऑफ 10 डेज बहुत से बच्चों ने उससे अर्निंग शुरू कर दी ड्यूरिंग दैट क्लास। और वो हमारे लिए भी मोटिवेशन थी और इनकरेजिंग पॉइंट था कि किस तरह से हमारी जो मट्टी है वो जरखेज ऑलरेडी है, बस हम लोगों को उसको थोड़ा सा नम करने की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ हाउ द स्टूडेंट्स एंड एवरी सिंगल पाकिस्तानी गॉट दैट पोटेंशियल के, एंड वी आर ब्लेस्ड विद इट। हम लोगों को सिर्फ एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, एक राइट माइंडसेट की ज़रूरत है, हम लोग बहुत कामयाब हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। वंडरफुल मैडम, आपने अभी बात की अंडरसर्व कम्युनिटीज़ की, तो इसमें मज़ीद थोड़ा सा इजाफा कीजिएगा मेरे नॉलेज में भी और हमारे व्यूवर्स के लिए भी, कि किस तरह डिजिटल लिटरेसी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है हमारे सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में जो अंडरसर्व कम्युनिटीज़ है। देर इज़ अ वेरी रफ स्टैट जिसको मैं आमतौर पर कोट करती हूँ कि अगर हमारे मुल्क का सिर्फ और सिर्फ 1,000,000 बच्चा ही ट्रेन हो जाएगा नाइकी पर और वो ऑनलाइन कमाई शुरू कर देगा $100 मिनिमम, तो वो 1,000,000 को आप मल्टीप्लाई कर लें 100 से और वो हर महीने कमाएगा उतना, सो इट विल बी अ गेम चेंजर। पूरा मार्केट लैंडस्केप चेंज हो जाएगा और इकोनॉमिक हार्मनी अचीव कर सकते हैं हम, सोशल पैरिटी आ सकती है हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ इस एक डिजिटल रेवोल्यूशन से। किस तरह जो टेक्नोलॉजीज हैं वो हम बढ़ा सकते हैं अपने जो स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप है टीचर्स का, उनको किस तरह हम रिप्लेस कर सकते हैं? टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को रिप्लेस तो कोई भी चीज़ नहीं कर सकती, लेकिन हम उसको इन्हांस ज़रूर कर सकते हैं। और इन्हांस करने के लिए हम इस तरह के टीचर बॉट्स बना सकते हैं जो कि स्टूडेंट को किसी भी टाइम पे फैसिलिटेट करें जब भी उस एक स्टूडेंट को टीचर की ज़रूरत है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ की जा सकती है, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वैसे स्कूल के भी कुछ इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जिनमें टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकें। आई थिंक दिस इज़ हाउ वी कैन इन्हांस दैट रिलेशनशिप। कौन से इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं, स्पेशली हम बात करते हैं एडटेक की, तो वो उसमें कितना पोटेंशियल है कि वो टीचिंग और लर्निंग जो एक्सपीरियंस है उसको उसमें रेवोल्यूशन आ सके?
हम 21st सेंचुरी में इस वक्त रह रहे हैं और 21st सेंचुरी इज़ ऑल अबाउट AI, इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन. हमारा मुल्क अभी बहुत सी तरक्की अचीव कर सकते हैं हम लोग और बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं अगर हम लोग सिर्फ एडटेक प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं या एडटेक से रिलेवेंट जो इनिशिएटिव्स हैं उनके लिए कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाएं जिसमें उनको एक सपोर्ट मिल जाए, कोई फंडिंग मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नेटवर्किंग की इस तरह से मिल जाएँ ग्लोबल लीडर्स के साथ जिससे वो अपने इस एक प्रोडक्ट को या सर्विस को इन्हांस कर सकें. अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन मुल्क में थोड़ा सा इस चीज़ का रुझान और ज़्यादा होना चाहिए कि जो स्टार्टअप्स हैं या जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं जो नए नए जवान बच्चे आ रहे हैं नई नई सोच के साथ उस एक नई सोच को हम लोगों को रियल टाइम चीज़ में ट्रांसलेट करने के लिए एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा और वो डिजिटल इकोसिस्टम हम तब तक डेवलप नहीं कर सकेंगे जब तक उसके अंदर उनके लिए फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, असिस्टेंस नहीं होगी, सपोर्ट नहीं होगी, ग्लोबल नेटवर्क नहीं होगा. थैंक यू सो मच मैडम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच.